लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शाहरुख खान भी पठान फिल्म के बायकॉट करने वालों को करारा जवाब दे रहे हैं। अंधभक्त छाती कूटने में लगे हुए हैं ही कि पठान फिल्म का किस कदर बायकॉट कर लें। लेकिन शाहरुख खान से प्यार करने वाले उनसे लगातार जुड़े हुए हैं और शाहरुख उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। शाहरुख खान ट्विटर पर आस्क मी एनीथिंग एक हैशटैग चलाया और फिर लोग उनसे, उनके प्रशंसक उनसे सवाल पूछने लगे। शाहरुख खान ने कहा कि कुछ भी पूछ लो आज। सबने पठान फिल्म से जुड़ी बातें भी पूछी और अंत में शाहरुख खान ने जो बातें कही हैं वो ट्वीट कहीं ना कहीं ऐसे अंधभक्तों को और उस राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए है जो भगवा रंग पर बहस छेड़े हुए हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं, पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को भी जवाब दे दिया है क्योंकि फैंस तो शाहरुख खान के साथ खड़े हैं। इसलिए सबसे पहले आखिरी ट्वीट ही देखते हैं, फिर कुछ और ट्वीट्स भी देखेंगे कि शाहरुख खान क्या इन लोगों को जवाब दे रहे थे और कैसे अंधभक्त छाती कूटने में लगे हुए थे। वहीं भगवा रंग पर विरोध जताने वालों के लिए एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जो एक फर्जी संत है वो कैसे भगवा रंग का फायदा उठाता था वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा यह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, शाहरुख खान ने आखिर में क्या लिखा। अपने फैंस से बातचीत के बाद आखिर में शाहरुख ने लिखा, नाउ माई टीम कॉलिंग मी टू वर्क, विल टॉक विद यू ऑल सम अदर डे, दोज हु मिस्ड आउट प्लीज डोंट फील बैड, अभी पिक्चर बाकी है, थैंक्स फॉर द लव एंड योर टाइम, सी यू सून इन अ थिएटर नाउ हैशटैग पठान। शाहरुख ने कहा कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, थिएटर में जल्द ही आप लोगों को मैं देखना चाहता हूं, आप लोग थिएटर में आके देखो। जो लोग यहां पर हमसे बात नहीं कर पाए उन्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, हम फिर आएंगे, फिर आप लोगों से ऑनलाइन चैट करेंगे, आपको जवाब देंगे, तो किसी को बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि आस्क मी एनीथिंग जो ट्विटर हैंडल शाहरुख खान का है IMSRK, उस पर यह सीरीज चला। प्रशंसकों ने उनसे सवाल भी पूछे, उन्होंने कहा कि अब आप चक दे इंडिया जैसी फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं, देशभक्ति फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं। तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि पठान भी पेट्रियोटिक है लेकिन एक्शन वाले अंदाज में, इसलिए आप जाकर देख लो। कई लोगों ने ट्वीट करके अपना ट्वीट डिलीट भी किया क्योंकि शाहरुख खान ने बहुत ही प्यार से इन लोगों को जवाब भी दिया। बड़ा सवाल यह है कि जो लोग अभी भी भगवा रंग में उलझे पड़े हैं, क्या इससे पहले किसी ने भगवा रंग नहीं पहना था? शाहरुख खान के उस गाने में क्या सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग का ही प्रयोग किया गया, उसी भगवा ड्रेस को बेशर्म रंग नाम दे दिया गया, या उसमें दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान ने अलग अलग रंग के कपड़े भी पहने? जिस कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने यह तय किया होगा कि सारे रंग को दिखाना है, तो क्या उसमें वो बेशर्म रंग उस कपड़ों और उस ड्रेस के लिए हो गया? बड़ा सवाल है कि इस पे सोचना होगा अंधभक्तों को खास करके और उन राजनेताओं को जिन्हें लगता है कि यह सनातन का अपमान हो गया, भगवा से पूरे संस्कृति को जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिर इस कपड़े में पहनकर नाचने गाने वाले बहुत आपको नेता मिल जाएंगे जो कभी अभिनेता थे, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर ऐसे भी कई कलाकार हैं जो इस तरीके के गाने पर, फुहर गानों पर भी डांस किया है, भगवा रंग ओढ़ करके मनोज तिवारी भी इसमें शामिल हुए थे। तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कोई मुहिम चला लीजिए आप कि उनको सांसदी से इस्तीफा देने के लिए कह दीजिए, नहीं कहेंगे ना, तो फिर शाहरुख खान के पीछे पड़ने का क्या मतलब है। चलिए जरा कुछ ट्वीट्स देखते हैं कि यूजर्स ने क्या सवाल पूछे और फिर इस पर क्या जवाब शाहरुख खान ने दिया। एक ट्विटर यूजर कांति चंद्र ने लिखा, व्हाई डोंट यू मेक फिल्म्स लाइक स्वदेश, चक दे इंडिया एटसेट्रा, आस्क SRK। शाहरुख खान से पूछना था और इसमें यह सवाल का जवाब शाहरुख खान ने बड़े ही प्यारे अंदाज में दिया, बना तो दी कितनी बार बनाओ। सही बात है, ये एक प्रोफेशनल है, काम करते हैं। जब देशभक्ति मुद्दे की स्टोरी इनके पास आई, इन्होंने लपक के पकड़ी, फिल्म बनाया, स्वदेश हो चाहे चक दे इंडिया हो, आपको देश प्रेम में डुबाता है, तो इससे शाहरुख खान की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जब पठान फिल्म आई, इस पठान फिल्म का इन लोगों ने बस इसलिए बायकॉट किया कि उस गाने में तमाम रंगों में भगवा रंग भी शामिल था और गाने के बोल जो थे वो बेशर्म रंग था इस वजह से। लेकिन यह विवाद का मामला हो ही नहीं सकता है, फिर भी विवाद किया जा रहा है,
शाहरुख खान अपने तेवर से बार बार जवाब दे रहे हैं, कई वीडियोज आपने देखा है। कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में भी उन्होंने कह दिया कि नफरत फैलाने वालों को, नेगेटिविटी फैलाने वालों को फैलाने दीजिए, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि हम और आप जैसे कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव लोग हैं अभी जिंदा हैं। ये शाहरुख खान का अंदाज है। और उन्होंने कहा कि बायकॉट ट्रेंड से वो डरते नहीं है, पुराना वीडियो है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि इतना भी हल्का नहीं हूं कि इन हवाओं से मैं हिल जाऊं, झाड़ियां हिल जाती हैं लेकिन उन्हें खुश होने दीजिए, और मैं इन हवाओं से नहीं हिलता, देश की आवाम मुझे बहुत प्यार करती है, मैं लकी सेलिब्रिटी में हूं। तो शाहरुख खान ने इस वजह से, एक और जहां उनका बायकॉट करने की कोशिश हो रही है, पठान फिल्म का विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके प्रशंसक जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, और शाहरुख खान भी उनको मजे मजे में जवाब भी दे रहे हैं। एक ट्वीट है जो डिलीट हो रखा है, लेकिन उस पर शाहरुख खान ने जवाब दे दिया है। उस ट्वीट पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो ट्वीट रिट्राइव नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ या तो प्राइवेट कर लिया होगा। इसी पर शाहरुख खान ने जवाब दिया था कि पठान भी एक देशभक्ति मूवी है लेकिन एक्शन वाले अंदाज में। इसी में एक ट्वीट भी है, समीना शेख ने लिखा है कि आप ऐसे लोगों को रिप्लाई क्यों देते हैं, व्हाई दिस पीपल हुम यू आंसर, सम ऑफ देम एंड अप डिलीटिंग देयर ट्वीट्स, कंटेस्ट ऑन पर समझना होता है। मतलब कि कुछ लोगों ने, जैसा कि शाहरुख खान ने जवाब दिया, फिर भी उन लोगों ने ट्वीट डिलीट किया है, उन्हें शर्म आई होगी कि शाहरुख खान तो इतने प्यारे इंसान है, बेहतरीन अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं, और फिर इसलिए ये लोग ट्वीट डिलीट करके भाग भी रहे हैं। अब देखिए एक और ट्वीट डिलीट हुआ है, इसमें भी शाहरुख खान ने जवाब दिया कि जो भी कर मूवी जरूर देख ले, आपको जो करना है कर लीजिए, मूवी देख लीजिए। इन्होंने भी कोई उटपटांग इनसे सवाल किया होगा और शाहरुख खान ने उन्हें बड़े शालीनता से जवाब दिया कि आपको जो करना है करो, लेकिन मूवी जाकर आप देख लो, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे फर्जी संत की जो भगवा धारण करता है, अंग्रेजी में बोलता है, तमाम नामी हस्तियां उसके आगे पीछे सिर झुकाती थी, नतमस्तक होती थी, लेकिन उसकी जब सेक्स सीडी लीक हुई तो वो भाग गया देश छोड़ करके, एक अलग देश बसा लिया और वहां पर ही प्रवचन देता फिरता है। वह भगवा रंग के बारे में क्या बोल रहा था कि ट्रेनों में जब सफर करते हैं तो टिकट नहीं लगता था क्योंकि मैं भगवा धारण किए हुए था, और हंस रहा है दांत निपोड़ कर। तो भगवा की बेइज्जती तो यह भी कर रहा है जो भी फर्जी संत है, लेकिन ट्रेनों में पैसा ना लगे, टीटी कुछ ना बोले, इस वजह से वो भगवा रंग पहन रहा है। तो भगवा रंग का गजब गजब इस्तेमाल है, और बायकॉट करने वाले भी भगवा झंडा लेकर सड़क पर बैठकर जब अब ये नारे लगाते रहते हैं तब क्या भगवा झंडा का अपमान नहीं होता। चलिए जरा सुनते हैं कि नित्यानंद क्या कह रहा है। एक्चुअली इन दोस डेज, आई डोंट नो अबाउट नाउ, इन दोस डेज व्हेन वी हैव दिस कलर ड्रेस इन नॉर्थ इंडिया, नो टीटी विल आस्क फॉर अ टिकट। You see, 9 years of my travel, never I bought a ticket. No, I'm going to write it in my biography. 9 years of my travel, never I bought a ticket in train. Mostly, I'll sit in that third class unreserved compartment. Whenever the TTs come, they always ask, Baba, did you eat? They'll ask the Hindi word Kana. And if I say, I had it, they will go. If I did not give any reply, they will get the food and give and go. And I tell you, the people in Indian railway, especially in North Indian, they are the most religious people. I just have. तो देख लिया आपने, ऐसे हैं बलात्कारी बाबा टाइप के फर्जी संत, जिसके आगे पीछे ऐसे ही भगवा समर्थक घूमते फिरते थे, उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, और जब ये कांड में पकड़ाया तो यह देश छोड़कर भाग निकला। तो ऐसे भगवाधारी जो भाग जाते हैं और भगवा का वहां बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या कहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।